रैंकटन की बात करें तो ऐश जो है वो भी डाउन किए जाएंगे, बिकॉज़ जोन के अंदर जाने की जो जद्दोजहद है वो चालू हो चुकी है। तो उनके पास अच्छी पोजीशन थी, लेकिन अब उनको थोड़ा सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। यहां पे स्पॉट जरूर से किया गया यहां पर, ओह माय गॉड, टीम लीग में गली थी कि जो एमजे उनको यहां पे स्पॉट करके फिनिश ऑफ कर दिया गया। टीम हाइड्रा ऑफिशियल जो स्मोकी भी डाउन, यहां पे प्रेडिक्ट इस प्रेस जा रहे साथ और भी यहां पर डाउन हो जाएंगे। नगेट जो है वो अभी रैंपेज पे सात फिनिशर्स निकाल चुके हैं एंड यहां पर हाइड्रा ऑफिशियल टोटल आठ फिनिशर्स के साथ। लेकिन मेजी नगेट क्या प्रिडिक्ट करके आप इस प्रेज दे रहे हैं? मैं ये देख रहा हूं कि क्या तीन और मारेंगे और सीधा दस फिनिशर्स के पास जाने की कोशिश एक बार कर सकते हैं। बट नगेट की बात के वो गाड़ी से उतरे जरूर है क्या? एक बार फिर से उनको गाड़ी के अंदर जाना चाहिए, देखना पड़ेगा। गाड़ी के अंदर जाते हैं, बिल्कुल गाड़ी के अंदर गए। सोल वाइपर अभी भी आपको गाड़ी के अंदर दिखाई देंगे, पाप किलो नगेट अभी भी स्प्रे करते हुए दिखाई देंगे। और एक और वक्त नहीं, पाप किलो ने वो गाड़ी फोड़ी और जिगजैग ट्रिगर खत्म हो चुके हैं। और एक और फिनिश आता हुआ, नगेट ने बोला मेरा काम हो गया, अब आप फिनिशर्स निकाल सकते हैं। पाप किलो तीन फिनिशर्स के साथ वहां पे एक और प्लेयर मौजूद रहेंगे। वाइपर एक फिनिश लेने में कामयाब रहे, फेयर्स को उन्होंने डाउन किया। नगेट की अब बारी आ चुकी है, बिल्कुल नगेट की शायद अब बारी आ चुकी है। वो पीछे सीट पे मौजूद आपको दिखाई देंगे। फेयर्स बहुत ज्यादा टाइम से सरवाइव कर रहे थे, वो खत्म हो चुके हैं। बड़ा एचएस स्क्वाड की